अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, आओ चलो कुछ गौर व फिक्र हम करते हैं, कुछ तदब्बुर करते हैं, कुछ फिक्र करते हैं, कुछ समझते हैं उलमाए किराम के हवाले से। कि उलमाए किराम, जैसे कि आप सभी अगर जानते होंगे कि सिद्धार्थ शुक्ला, एक उसकी मौत हो गई है, ठीक है ना, 40 साल की उम्र थी शायद, कि वो मर गया है, दुनिया से चला गया है। तो इस हवाले से बहुत सारी, यानी अक्सर उलमाए किराम ने इस हवाले से वीडियो बनाई है, बहुत सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी के बारे में बताई है। वो फिल्में में काम करते थे, किस फिल्म में काम करते थे, कितने सीरियल बनाए, किस कौन कौन से उसके गाने हैं और कितनी फिल्में बनाए, फिर उसको क्या क्या काम मिल रहे थे, फिर कहाँ कहाँ पे काम करने वाले थे, यानी बहुत सारी बातें। कुछ तो कह रहे कि अभी उसने तरक्की शुरू किया था, अभी वो फल खाना शुरू किया था, 40 साल की मेहनत थी, ये था वो थे, उसकी जिंदगी के बारे में बहुत सारे उलमाए किराम बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आया ये कि हम इसी बात पे, इसी सिलसिले में आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उलमाए किराम को इस तरह, यानी कोई जो फिल्मी दुनिया से लोग गुजर जाते हैं तो इसके बारे में उलमाए किराम को वीडियो के जरिए से ऐलान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये वीडियो में उसकी जिंदगी के बारे में बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, उसने कितने फिल्मों में काम किया है, कितने गाने बनाया है, कितने फिल्में किया है, कितने सीरियलों में काम किया है, फिर उसके कारोबार क्या है, फिर उसकी जिंदगी क्या है, उसके बच्चे कितने हैं, उसकी बीवी कितनी है, इस सारी चीजों के बारे में उलमाए किराम को बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और बात करनी चाहिए तो फिर उसको पर्सनल बात करनी चाहिए, उसकी आईडी पे जाकर के उसको ईमेल करना चाहिए या उसको पर्सनल अकाउंट पे जाकर के मैसेज करना चाहिए या उसको वीडियो के जरिए से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, खुलासा कलाम ये है। तो इसी सिलसिले में मैं अपने असातज़ाए किराम के मशवरे से उनकी जो राय है वो सारी बातें इंशाल्लाह मैं आप सबके सामने में अर्ज करने की कोशिश करूंगा कि बड़े बड़े और हमारे उलमाए किराम को इस कामों से जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए, हमारे बड़े बड़े असातज़ाए किराम, बड़े बड़े उलमाए किराम इस बारे में क्या फरमाते हैं। तो इस सिलसिले में हमारे उलमाए किराम ने जो मशवरे दिए, जो बातें की, क्योंकि मैं भी उस हवाले से वीडियो बना सकता था, मैं भी बातें अर्ज कर सकता था, लेकिन हमारे असातज़ाए किराम जो बड़े अल्लाह वाले, बड़े नेक दिल है, बड़े इल्म वाले हैं, उन लोगों का क्या नजरिया है, वही बातें मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सामने बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो हमारे असातज़ाए किराम का नजरिया है, उनका मशवरा है, उनके कौल है, उन्होंने हमसे कहा है कि देखो बेटे, इस हवाले से कोई भी फिल्मी दुनिया का लोग मर जाते, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके बारे में बातें करने की कोशिश मत करो। हाँ, तुम सोशल मीडिया से एक्टिव हो, सोशल मीडिया पे हो, मुमकिन हो कि हर तरह के लोग तुम्हें सुनते होंगे, ठीक है ना। तो अगर तुम्हें उसके गम में शरीक होना है, उसके बारे में दर्द का इजहार करना है या उन्हें माजरत पेश करना है या ताजियत पेश करना है, ठीक है ना, जो भी काम करना है आपको, उनके पर्सनल अकाउंट पे जाना है, वहां पे उन्हें ईमेल करना है, वहां पे उन्हें जो भी चीजें आपको बोलने का है, कहने का है, सारी की सारी बातें आपको उसके अकाउंट पे जाकर के करेंगे, ठीक है ना। उनके अगर आप इस तरह वीडियो बनाएंगे, अगर आप इस तरह वीडियो बनाएंगे तो मुमकिन हो के इसमें बहुत सारे नुकसान के भी सबब होते हैं। बहुत सारे नुकसान के सबब ये होते हैं कि जैसे हमारे असातज़ाए किराम बता रहे थे कि बहुत सारे उलमाए किराम ने इस हवाले से वीडियो बनाया है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हो गई है, 40 साल की उसकी जिंदगी थी, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, इतने सीरियल बनाए थे, इतने गाने बनाए थे, इतने फिल्में बनाए थे, ये काम उसको मिलना शुरू हुआ था, अभी वहां पे जाने वाले थे, ये उसका काम था, ये थी उसके पता नहीं पूरी जिंदगी के बारे में बहुत सारे उलमाए किराम ने उनके जिंदगी के बारे में बातें की है, ठीक है ना। तो हमारे असातज़ाए किराम का जो कहना है कि देखो ये उनकी जिंदगी के बारे में बातें कर रहे हैं, तो उनका कहना है, हमारे असातज़ाए किराम का कहना है कि देखो बेटो, अगर तुम इस हवाले से वीडियो बनाओगे तो मुमकिन हो कि तुम्हारे चैनल पे जो बहुत सारे लोग वीडियो देखने वाले हैं, क्या पता क्या भाई देखे, बहुत सारे लोग जो उसको जानते नहीं होंगे, उसके फिल्में नहीं देखते होंगे, उसके गाने नहीं सुनते होंगे या उसके सीरियल नहीं देखे होंगे, यानी उसकी जिंदगी से वाकिफ नहीं होंगे, मुमकिन हो बहुत सारे लोग नहीं होंगे। अगर तुम इस हवाले से वीडियो बनाओगे तो मुमकिन हो कि कुछ जान जाएंगे उनके बारे में, अक्सर लोग जान जाएंगे, अब जान जाएंगे तो तुम्हारी वीडियो के बाद देखने के बाद क्या पता, मतलब आप उसके गम में शरीक हो, गम का इजहार कर रहे हो, बहुत अफसोस का इजहार कर रहे हो, बहुत सारी बातें उनके बारे में बता रहे हो, तो क्या पता कि वो इंसान जाकर के उसके बारे में सर्च करे, उसने जो सीरियल बनाए, जो गाने बनाए, जो फिल्में बनाया, अब ये बंदा मोमिन आपकी वीडियो देखने के बाद उनकी जिंदगी में क्या क्या सीरियल बनाए, क्या क्या देखे, वो देखने लगे, उसकी गाना सुनने लगे, उसके फिल्में देखने लगे, उसके फैन हो जाए, क्योंकि आप बता रहे हैं उसके बारे में बड़े अफसोस के साथ, बड़े दर्द के साथ, बड़े मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ उनके गम में आप शरीक है, तो आपसे जो मोहब्बत करने वाले होगी उनके गम में शरीक हो जाएंगे, उनकी सारी जिंदगी देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या हो गया, गुनाहों का बढ़ावा एक तरीके का हो गया, वो इंसान मर गया है तो अब हम ऐलान कर रहे, तो जो हमारे जानने वाले, देखने वाले, सुनने वाले वो क्या करेंगे, उसको जाकर के सर्च करेंगे और उसके फिल्में देखेंगे, उसके सीरियल देखेंगे और अपना वक्त बर्बाद उस कामों में, गलत कामों में लगेगा, क्योंकि
हदीस पाक है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं म्यूजिक को बंद करने के लिए आया हूँ, ठीक है ना। और गाना, बाजा, फिल्में, सीरियल, ये सारे की सारे चीजें इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, ठीक है ना। देखना भी और बनाना भी शरीयत के खिलाफ है। तो आपकी वीडियो को देखने के बाद कोई काम करेगा तो गुनाह आपको भी मिलेगा। तो इसलिए मेरे साथी कराम ने कहा कि इस हवाले से तुम कतन वीडियो नहीं बनाना। अगर तुम्हें दर्द का इजहार करना है, तुम सोशल मीडिया पे तुम्हें बोलना ही है, तो तुम उसके पर्सनल अकाउंट पे जाओ, वहां पे उसे मैसेज करो, वहां पे उसे ईमेल करो और उसको बोले कि हम आपके गम में बराबर के शरीक है। लेकिन वीडियो के जरिए से किसी के लिए भी, मेरे साथ कराम का बड़ा इस मामले में बहुत सख्त है। और उसने एक शेर भी हमें बताया कि ये शेर भी तुम बोल देना। और वो शेर ये है कि दस्तार के हर तार की तहकीक है लाजिम, दस्तार के हर तार की तहकीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार मुअज्जज नहीं होता। और एक शेर, दो तीन शेर जो मुझे अल्लामा इकबाल साहब की भी याद आ रही है कि सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी, हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। और इसी तरीके के शेर है कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, ठीक है ना। और इसी तरीके से अल्लामा इकबाल साहब के एक शेर और है कि देखे हैं हमने इहराम में लपटे कई इबलीस, देखे हैं हमने इहराम में लपटे कई इबलीस, हमने कई बार भी खाने में खुदा देखा है। यकीनन अब बुजुर्गों के वाकया पढ़िए, जिंदगी पढ़िए, तो आपको सारी चीजें, सारी शेर का खुलासा आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए हमारे असाज़ा कराम का या जो अहले इल्म है, जो अहलुल्लाह है, जो अल्लाह वाले हैं, उनका कहना है कि ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। जो उलमाए किराम भी कर रहे हैं इस हवाले से वीडियो बनाते हैं, उसके गम में शरीक होते, गम में शरीक हो कोई मुश्किल नहीं, उसके पर्सनल अकाउंट में जाकर के मैसेज करो, लेकिन उसकी जिंदगी के बारे में बताते कि ये फिल्म बनाता था, ये करता था, गाने बनाता था। अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं इस मामले में कि फिल्में देखने लगते हैं, आपकी बातें सुनकर के फिल्मों में चले जाते हैं, फिल्में देखने लगते हैं, वो सारी बातें करने लगते हैं, क्योंकि यानी आप एक तरीके से उसके साथ हैं, गम में शरीक है, अफसोस का बहुत ज्यादा इजहार करें वीडियो के जरिए से। तो जाहिर सी बात है कि किसी के दिल में ये तड़प आएगी, धड़कन आएगी, मतलब अफसोस का इजहार होगा, उसके लिए मोहब्बतें जाग जाएंगी, फिर क्या करेंगे, उसके फैन हो जाएंगे। तो क्या हुआ, उलमाए किराम को छोड़ करके वो उसके फैन हो गया, फिर उसके सारी चीजें देखना शुरू करेगा, जो कि गुनाह का काम है, इसमें सारे उलमाए किराम का कहना है। तो इसीलिए उलमाए किराम इस बारे में कितना सही कितना गलत है, आप फैसला ये कीजिए। क्या हमारे साथ किराम ने एक बात यह अर्ज की है कि देखो जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं, जितने भी लोग इस हवाले से, यानी सुशांत सिंह राजपूत या जो भी फिल्मी दुनिया से लोग जाते हैं, फौरन उलमाए किराम का वीडियो आ जाता है, फौरन उलमाए किराम का वीडियो आएगा। जैसे ही न्यूज देखना देगा, टीवी पे देख लिया, वैसी उलमाए किराम अपने कैमरों को ऑन करते हैं और इस वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं कि देखो फिल्मी दुनिया का ये आदमी मर गया, ये आदमी मर गया, ये मर गया, ठीक है ना, उसके उसकी जिंदगी के बारे में बताने लगते हैं। तो इसलिए हमारे असाज़ा किराम ने कहा कि देखो बहुत सारे उलमाए किराम है जो हर एक की जो भी फिल्में दुनिया से, चाहे लड़का हो या लड़की हो, मरते हैं तो फौरन ये लोग वीडियो उसके उसके फेवर में, उसके गम के हवाले से बनाना शुरू कर देते हैं। और मुझे सख्ती के इजहार भी फरमाया है कि नहीं बना, तुम मत बना। लेकिन उसने हमारे साथ किराम ने जो बातें अर्ज की, वो बातें बहुत अहम बात है, वो बातें अहम बातें ये है। और इसी बात से आप फैसला भी कर पाएंगे कि क्या उलमाए किराम अपनी शोहरत चाहते हैं, या अपने चैनल पे सब्सक्राइबर चाहते हैं, या उस वीडियो के जरिए से अपने चैनल पे व्यूज चाहते हैं, या पब्लिसिटी चाहते हैं, क्या चाहते हैं, या वो गम में शरीक हो रहे या नहीं हो रहे, आप इन दो बातों से अंदाजा कर सकते हैं। अंदाजा ये कि देखिए जो भी फिल्मी दुनिया वाले लोग गुजरते हैं, फौरन उसके फेवर में, उसके गम में उलमाए किराम का वीडियो आ जाता है, ठीक है ना। अभी हमारे असाज़ा किराम ने यहाँ पे जो बातें अर्ज की, वो बातें ये कि देखो आए दिन बड़े अल्लाह वाले लोग गुजर रहे हैं, बड़े इल्म वाले दुनिया से जा रहे हैं, बड़े बड़े अकाबिरीन हमारी इस दुनिया से रुखसत होते जा रहे हैं, और इस पिछले दो सालों में तकरीबन बेशुमार अल्लाह वाले इस दुनिया से चले गए, बेशुमार दुनिया से अल्लाह वाले चले गए। तो असाज़ा किराम ने यहाँ पे जो बहुत अहम बातें बताई, वो बातें ये कि इनके चैनल पर जाकर के देखो, चेक करो कि इसने कितने अल्लाह वाले के बारे में वीडियो बनाई है, अफसोस का इजहार किया, उसकी फैमिली के साथ उसके गम में शरीक रहा हो, या उनके लिए दुआ इस्तगफार किया हो, कुरान की तिलावत का अपील किया हो, या कोई बड़े बड़े अल्लाह वाले बीमार हो रहे हैं, बड़े अल्लाह वाले बीमार हो रहे हैं, बताओ किस चैनल वाले ने, किस उलमाए किराम ने उसकी तबीयत की दुरुस्तगी के लिए वीडियो बनाया हो कि दुआ करो आप सभी हजरात, हमारे ये अल्लाह वाले, ये अहले इल्म है, ये बड़े इल्म के मालिक है, ये बीमार है, इनकी सेहत याबी के लिए दुआ करो। कोई इसके सेहत याबी के लिए दुआ नहीं बनाते हैं। जब कोई अल्लाह वाले, कोई अहले इल्म दुनिया से चले जाते हैं, कोई इसकी दुआ इस्तगफार के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं, किसी को कुरान पढ़ने की अपील नहीं करते। क्या आए दिन खबरें देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं
कि फलाना शहर से आज ये हमारे उलमाए किराम गुजर गए, ये आलिमुद्दीन गुजर गए, ये अल्लाह वाले गुजर गए, फलाना मदरसे से ये अल्लाह वाले चले गए, ये अल्लाह वाले चले। आए दिन खबरें मिलती है, ठीक है ना, लेकिन कोई इसको कवर करता है? कोई इसके फेवर में या उसके गम में, उसके फैमिली के गम में शरीक होता है? कोई नहीं। हमारे असाज़ा किराम ने कहा किसी का इस हवाले से वीडियो नहीं आता है। और जिस दिन उसकी मौत हुई है, जिस दिन उसकी मौत हुई है उससे एक दो दिन पहले एक अल्लाह वाले की मौत हुई है, एक अहले इल्म, एक आलिमुद्दीन, बड़े आलिमुद्दीन की भी वफात हुई है, तो वहीं भी असाज़ा किराम ने कहा कि देखो कितने कौन बनाए इसके इसके फेवर में, इसके अफसोस का इजहार कौन किया है, नहीं किया है। तो आप अंदाजा करें कि बताइए उलमाए किराम, जब उलमाए किराम दुनिया से अल्लाह वाले गुजरते हैं तो उसकी दुआएं मगफरत के लिए, दर्जात की बुलंदी के लिए, कुरान पढ़ने की अपील के लिए कोई भी वीडियो नहीं बनाता, किसी का भी वीडियो नहीं आता है, एक बात। दूसरी बात, अगर कोई फिल्मी दुनिया के लोग बीमार हो, फौरन उलमाए किराम का वीडियो आता है कि ये टीवी एंकर बीमार है, ये बीमार है, ये बीमार है, उसके लिए दुआएं करो, ठीक है ना, फौरन उसके फेवर में उसकी बातें आ जाती है, यानी वीडियो आ जाती है, ठीक है ना। हमारे उलमाए किराम, हमारे बुजुर्गों ने दिन जब बीमार होते हैं इसका एक वीडियो नहीं आता उलमाए किराम का, किसी भी उलमाए किराम का, इल्ला माशाल्लाह, अक्सर का वीडियो नहीं आता है। तो जब अहले इल्म हजरात जो दीन का काम करने वाले हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत पर चलने वाले हैं, उनकी जिंदगी के बारे में हम क्यों नहीं बताते हैं? हम उनकी जिंदगी के बारे में आकर के नहीं बताते हैं? और एक वो जो शरीयत से यानी अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ काम कर रहा हो, जब वो बीमार पड़ते हैं या वो दुनिया से चले जाते हैं, तो हम उसके फेवर में आकर के उसके गम में शरीक होते हैं, वीडियो के जरिए से होते हैं ना। क्यों? कहीं ना कहीं हम शोहरत के ख्वाहिशमंद है, कहीं ना कहीं हम अपनी शोहरत चाहते हैं, हम अपने चैनल पे व्यूज चाहते हैं कि हमारे चैनल पे व्यूज आ जाए, उसके जरिए से कि देखो हम उसकी वो शोहरत याफ्ता था, बहुत ज्यादा वो मशहूर था, हम उसका नाम लेकर के वीडियो बनाएंगे, टाइटल या थंबनेल उसका नाम का होगा, तो जाहिर से बात है लोग क्लिक करेगा, फिर देखेगा तो हमारे चैनल पर व्यूज आएंगे, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। और एक वो जो दुनिया वालों के यहाँ पर तो मशहूर नहीं है, लेकिन अल्लाह वाले के यहाँ बहुत मशहूर है, अल्लाह के नजदीक उसका बड़ा मकाम है, लेकिन दुनिया में वो मशहूर नहीं है, तो हमें से कौन वीडियो बनाता है उसके फेवर में आकर के, गम में कितने लोग शरीक होते हैं? तो इस सारी बात का खुलासा कलाम ये है कि यकीनन कहीं ना कहीं जो भी फिल्में दुनिया से लोग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जहन में आपके चैनल का व्यूज होता है या सब्सक्राइबर या आपकी पब्लिसिटी चाहते हैं, यही इल्ला माशाल्लाह, सबकी नियत की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी बनाते होंगे ज्यादातर की नियत यही होती है। नहीं तो आप उलमाए किराम के लिए क्यों नहीं वीडियो बनाते हैं? नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते हैं? आपको बनाना ही चाहिए ना, यकीनन बनानी चाहिए। तो यकीनन आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग गंदे गंदे कमेंट भी करेंगे, अरे तुम ये हो, तुम वो, इंसानियत की बात करते हो, उसकी बात करता हो, उसकी बात करता है। मेरा कहना भाई ये भी इंसानियत का ही तकाजा है, और ये हमें तो यहाँ पे तो और ज्यादा गम का इजहार होना चाहिए। एक आलिम की मौत पूरे आलम की मौत होती है, मालूम है ना, ये हदीस है, एक आलिम की मौत पूरे आलम की मौत होती है, ठीक है ना। और एक आलिम दीन की क्या फजीलत है, अल्लाह अकबर कबीरा। अब उलमाए कर इस हवाले से वीडियो इंशाल्लाह हम बनाने की कोशिश करेंगे, क्या फजीलत है कुरान हदीस में, क्या उसका मकाम है। तो एक वो जो जिसकी मौत की वजह से, एक आलिम की मौत पूरे आलम की मौत होती है, आप उसकी उसके बारे में वीडियो नहीं बनाते, उसके गम में शरीक नहीं होते हैं। और एक वो जो दुनियादार तो है, दुनिया में मशहूर है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ काम कर रहा है, फिर भी आप उसकी तारीफ करते हैं, उसके बारे में वीडियो बताते हैं, बनाते हैं, उसकी जिंदगी के बारे में बनाते हैं। भाई जो अल्लाह वाले दुनिया से जा रहे हैं उसके बारे में तो बनाओ, बात दरअसल यही है कि जो अल्लाह वाले जा रहे हैं उनके बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में भी बताओ कि देखो ये फलाना आलिमुद्दीन थे, ये वो फरागत हासिल किए, ये किताबों से जुड़े हुए थे, उस मदरसे से जुड़े हुए थे, दिन की इनकी ये खिदमात है, इतनी किताबें हैं, ये किताबें उन्होंने ये किताबें लिखी है, ये किताबें पढ़ाते थे, तो इनके बारे में वीडियो बनाओ ताकि उनकी जो किताबें लिखी हुई है जाकर के आपके चैनल पे जो व्यूवर्स है, जो देखने वाले, उसके जिंदगी के बारे में पढ़े, उनकी जिंदगी के बारे में वो भी जान ले, उनके वो भी उनके लिए दुआएं मगफरत करें, ठीक है, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं करें। तो आप उलमाए किराम जब बीमार होते तो आप वीडियो नहीं बनाते हैं, उलमाए किराम जब दुनिया से जाते तो आपका वीडियो नहीं आता है, या इसी तरीके से कोई अल्लाह वाले जाते तो आपका वीडियो नहीं आता है। आपका वीडियो वो भी आता है जब कोई मशहूर एक्टर मर गया हो, यानी और वो एक सोचने की बात ये है, मरते तो हैं लोग, लेकिन जो मशहूर होते जब वो मरता है तो सारे उलमाए किराम का, अक्सर उलमाए किराम का वीडियो आना शुरू हो जाते हैं, ये मर गया, ये बीमार है, ये वो है, फलाना ढिकाना है, ठीक है ना, बहुत सारी बातें आनी शुरू हो जाती है। तो कहने की दरअसल बात ये है कि अगर आप उसके बारे में बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो आपके चैनल पर देखने वाले हैं वो भी इस कामों में शरीक हो जाए कि उसके जिंदगी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपने दर्द का इजहार किया है, बड़े अफसोस का इजहार किया, बड़ी मोहब्बत अकीदत पेश की है उनके हवाले से, ठीक है ना। चूंकि वीडियो के जरिए से अकीदत पेश नहीं करना चाहिए, क्या आप चाहते हैं कि
फिल्में बनते रहे? क्या आप चाहते हैं कि गाने ऐसी बजते रहे? क्या आप चाहते हैं कि मुआशरे में ऐसी बेहयाई फैलते रहे? क्या आप चाहते हैं कि ऐसे लोग फिल्में में काम करते रहे, फिल्में ज्वाइन करते रहे? नहीं ना, कोई भी उलमा कराम इस बारे में बातें नहीं करेंगे, बल्कि आज हम सब बातें करते हैं कि गाने मत देखो, फिल्में मत देखो, या सारी चीजें मत करो। अगर किसी फिल्मी दुनिया वालों के बारे में हम तारीफ करेंगे, उनकी शान में ये है, फलाना है, ठिकाना है, तो जाहिर सी बात है हमारे नौजवान क्या करेंगे यार, अगर हम भी मशहूर हो जाएंगे तो उलमा कराम हमारी तारीफ करेंगे, हम भी गुजर जाएंगे तो उलमा कराम भी हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे लिए दुआएं मगफिरत करेंगे। यानी बहुत सारी बात करने की तो बहुत सारी बातें आ सकती है जनाब, बाकी हम लोग समझदार हैं तो कहने की दरअसल बात यह है कि जब आप उनके लिए बातें करते हैं तो ये बुजुर्गान दीन जो दुनिया से चले जाते हैं इनके बारे में बताने की कोशिश करें, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं आप गुनाह के भी कामों में मुलव्विस हो जाएंगे बिलफर्ज खुदा ना खास्ता। क्योंकि क्या होता है कि हमारे बहुत सारे लोग जो हमारे चैनल पर, वो बहुत सारे को नहीं जानते, बहुत सारे जो फिल्में बनाते उसको नहीं जानते, बिलफर्ज हमारे चैनल पर जो दिनदार है, जो दिनदार तबका है, अभी वो देखने लगे बड़ी अकीदत का हम उनके सामने मुजाहरा किए, बड़े अफसोस के इजहार किए, अब ये कह रहे कि ये जनाब क्या करेगा, उसकी जिंदगी के बारे में पढ़ेगा, सर्च करेगा, सारी चीजें करेगा कि भाई इसका ये सीरियल कैसा होगा, देखते हैं, देखते फिल्में कैसा होगा, तो कहीं ना कहीं वो गुनाह के कामों में मुलव्विस हो जा रहा है, और कहीं ना कहीं आप गुनाहों के कामों पर मदद कर रहे हैं, यानी आप उसकी जिंदगी के बारे में बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो आपके चैनल पर देखने वाले होंगे वो उसकी जिंदगी के बारे में जानेंगे, उसकी फिल्में देखना शुरू करेंगे, सर्च करना शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप गुनाह के कामों को भी प्रमोट कर रहे हैं, यानी बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है ना, उसकी तारीफ करके, उसके शान में सारी बातें कर करके। तो हमें ये सब कामों से बचना चाहिए। बड़े अल्लाह वालों का कहना है, ये मैं अपनी बातें नहीं कर रहा हूं जनाब, माफ कीजिएगा मुझे, मैं अपनी बातें नहीं बल्कि बड़े अल्लाह वाले सब ये बातें मुझे बताए हैं, अफसोस के बाद कि आज उलमा किराम को क्या हो गया है, ये कहां चला गया है, पब्लिसिटी के लिए क्या क्या कर बैठा है, बहुत अफसोस का इजहार कर रहे हैं, और यकीनन अफसोस होनी चाहिए कि आज हमारे दिलों से क्या पता क्या हम कहां हो गया। अल्लाह अकबर, अगर आज उलमा किराम मुस्तैदी के साथ, मेहनत के साथ दीन का काम करना शुरू करें, यकीनन कर सकते हैं, ठीक है ना, यकीनन आपके जरिए से अल्लाह बड़ा काम ले सकता है। तो कहीं ना कहीं उलमा किराम भी गुनाहों के कामों में मुलव्विस है, गुनाहों के कामों में, यानी जो गुनाह के कामों में मुलव्विस भी है और साथ साथ जो गुनाह के काम कर रहे हैं उनको भी आप सपोर्ट कर रहे, प्रमोट कर रहे। यकीनन आप, बड़े अफसोस की बात मैं कह रहा हूं कि मैं नाम नहीं अर्ज करूंगा, लेकिन मैं बहुत सारे मुफ्तियाने कराम का, बहुत सारे उलमाए कराम को देखा हूं कि उन लोगों को आए फॉलो किए अपनी आईडी से, उन लोगों को फॉलो किया है जो गाने बनाते हैं, जो छोटे छोटे जो हमारी औरतें हैं, बहने हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन करके डांस करते हैं और गाने में वीडियोज बनाते हैं, उनको पूरा जो अपने जिस्म को पूरे जिस्म जो दिखा रही है, हमारे अक्सर बहुत सारे उलमाए कराम उन लोगों को जाकर के फॉलो किए हुआ है। तो इससे क्या समझ में आती है कि एक तरफ हम मना करते हैं, दूसरी तरफ हम उन्हें आईडी पे सपोर्ट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे, फॉलो करना बमाना सपोर्ट करना कि बहने तुम फिल्में बनाओ, गाने बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अफसोस की बात है ना, मैं बहुत सारे उलमाए कराम की आईडी के बारे में जानता हूँ, नाम नहीं लूंगा। अगर आप ये वीडियो देखने के बाद अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप जाकर के उसको अनफॉलो करें, लेकिन मैं नाम जाहिर नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह खैर फरमाए। लेकिन अफसोस की बात है कि कहीं ना कहीं उलमाए कराम भी गुनाहों के कारण मुलव्विस है, और यकीनन देखिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, यकीनन बहुत सारे उलमाए कराम इस बारे में बुरा भला कहेंगे कि तुम भी तो शोहरत के बारे में ही बारे में बता रहे हो। मैं शोहरत का कोई मुझे शौक नहीं, जरा अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है, अल्लाह ने बहुत सारी चीजों से नवाजा है, शोहरत की कोई ख्वाहिश नहीं है, बल्कि मुमकिन हो कि उलमाए बड़े बड़े उलमाए कराम से चूक हो जाती है कि उसका उस तरफ ज़हन नहीं आता है, तो जो हमारे सरदार कराम ने जो बातें बताई है, जो मशवरा दिया, वही बातें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनाब अब ये काम करने की कोशिश ना करें, ऐसे लोगों को आप पर्सनली जाकर के मैसेज करें, ठीक है ना, बराबर के गम में शरीक को कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी आपको मना नहीं करेगा, लेकिन अब इसके जरिए से अगर करते तो कहीं ना कहीं गुनाहों के कामों में मदद करना लाजिम आता है, और कुरान का हुक्म है वह तआवनु अलल बिर्रि वत्तक्वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उदवान, कि गुनाहों के नेकी के कामों पर मदद करो और गुनाहों के कामों पर किसी तरह की किसी की भी कोई भी मदद मत करो। तो कहीं ना कहीं हम उसके बारे में बता करके कहीं ना कहीं हम उसकी मदद कर रहे हैं, ठीक है ना, या इसी तरीके से हम जिस आईडी को फॉलो कर रहे हैं, जिस लड़कियों के हम उसको कहीं ना कहीं हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे उलमाए किराम क्या करते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई बहुत ज्यादा मशहूर लड़की है और जबकि वो गाना बनाती है, आधे कपड़े पहनती है, अगर मेरी बातों पर वो अगर उसने नकाली की है, ठीक है ना, वीडियो बनाई है, तो आप क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा। बहुत सारे उलमाए किराम भी यानी बिलफर्ज मेरे बातों पे किसी लड़की ने क्या किया है, नकाली की, मेरी नकाली की है और वो वीडियो बनाया है,
और वो लड़की है जो शरीयत के खिलाफ काम कर रही है, वीडियो बना रही है, इन्हें आधे कपड़े पहन करके डांस करती है, फिल्में बनाती है, बहुत सारे काम करती है, अगर वो मेरी आवाज पे वीडियो बनाई तो मैं क्या करूंगा? अब मैं उसके साथ ड्यूट करूंगा, उसको शुक्रिया अदा करूंगा। तो भाई आपको ये भी नहीं करना, ये भी गुनाह के काम है, याद रखिए ये भी गुनाह के काम है। आप उसको अपनी आईडी पर ला रहे हैं और वो उसको देख रहे हैं तो ये भी तो गलत है, ये देखना भी गलत है। आप उसको अपनी आईडी पर ला रहे हैं, आप उसको शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपकी आवाज में किया है, तो आप क्या कर रहे हैं तरीके से वो आपके और भी वीडियो बनाएंगे और भी उन्हें कहीं ना कहीं आप सपोर्ट करें खुलासे कलाम। तो बिल्कुल हम सबको इससे बचनी चाहिए, यानी जितने भी उलमाए किराम है, जितने भी अहले इल्म है, आपको इससे बचनी चाहिए। और जहां तक कोशिश ये होनी चाहिए आपको कि आप लोगों के दिलों में उलमाए किराम की अजमत, उलमाए किराम की पहचान कराए, जो अल्लाह वाले दुनिया से जाते हैं अब उनके बारे में वीडियो बनाए कि अल्लाह वाले दुनिया से चले गए, इनके दुआ इनके लिए दुआ करे, और इनकी किताबें हैं, इनकी किताबें जाकर के पढ़े, इनकी जिंदगी की ये सारी चीजें हैं, जाकर के आप कुछ हासिल करें, तो उनकी जिंदगी के बारे में बताने की कोशिश करें। बाकी जो हम खुराफाती वाले हम काम कर रहे हैं इससे हमें बचने की कोशिश, इसके अलावा बचने की कोशिश करें, क्योंकि ऑलरेडी इस पर काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। हमारे उलमाए कराम जब दुनिया से जाते हैं तो कौन मीडिया वाले उसको दिखाते हैं? नहीं दिखाते ना, कोई भी नहीं दिखाता है, तो आपको दिखानी चाहिए उनकी जिंदगी के बारे में, हम सबको बतानी चाहिए, ठीक है ना। और अगर कोई फिल्मी दुनिया से कोई जाता है तो उसके लिए तो ऑलरेडी है ना दुनिया, और भी मीडिया वाले हैं, और भी चैनल वाले हैं, तो काम कर रही है, तो फिर हम अपने चैनल पे उसको क्यों ये काम करें, क्यों उनको बताएं? आपको अगर यादत करनी है, ताजियत पेश करनी है, तो उनके अकाउंट में जाकर के ताजियत पेश करें। बाकी ये सब कामों से बचने की कोशिश करें भाई, ये गलत काम है। अगर किसी को बुरा लगा हो मेरी इन बातों से तो खुदा रहा माफ कीजिए, अपने नेक दुआओं में याद रखिए। ये छोटी सी बात थी जो हमारे साथ कराम ने कहा, लेकिन ये लंबी हो गई है, तो बुरा जरूर देखिएगा, और उसके बाद ये कि जिसको भी बुरा लगा माफ कीजिएगा, कहीं ना कहीं अगर आपके दिल को छू ले तो इस वीडियो को उलमाए किराम तक पहुंचाने की भी जरूर कोशिश कीजिएगा। और जहां तक हो सके हमें मुमकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जब दीनी लाने के दबाव से चैनल का चालू किए और दिन का काम करें तो यहाँ पे सिर्फ उन लोगों के ही बारे में बताई जाए जो दिन से जुड़े हुए, ठीक है ना, जो दिन से जुड़े हुए, जो दिन की खिदमत कर रहे, उनकी जिंदगी के बारे में बताई जाए, ताकि लोग उलमाए किराम से जुड़े रहे, उलमाए किराम के उनके अंदर अजमत मोहब्बत बैठी रहे, ठीक है। उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे इस वीडियो से, अगर सीखे हैं तो जरूर इस वीडियो को उलमाए किराम तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करें, ठीक है। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।